आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ काफ़ी डिफरेंट चीज़ जिसे मैंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं डाला हुआ था। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, इसे कॉफ़ी टेबल भी बोला जाता है। और आप लोग जैसे घर में डेकोरेटिव के लिए एक्वेरियम रखते हैं, वास्तु के हिसाब से रखते हैं, वैसे ये कुछ स्पेशल तरीके से भी आप एक्वेरियम का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, काफ़ी अट्रैक्शन होगा आपके घर पे या ऑफिस पे, कहीं पे भी अगर आप ऐसा एक्वेरियम अपने घर पे बनवाते हैं। ये बहुत ही ईजी होता है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा ईजिली तरीके से। तो अभी अपन लोग जो दिखा रहे हैं आप लोगों को, इस एक्वेरियम का मैं डेकोरेटिव सिस्टम दिखा रहा हूँ कि अपन लोगों ने इसे डेकोरेट कैसे किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो इसमें सैंड है, सारा नेचुरल सैंड है, ग्रेवल्स हैं, और जो फिशेस है फ्रेश वाटर की सारी फिशेस हैं, जैसे कि शुभंकिन है और टाइगर बार्ब है और सकर कैट वगैरह डाली हुई हैं, और ये सारी सारा कुछ एकदम आप लोग देख सकते हो। और इसके पीछे अपन लोगों ने एक बबल बॉल बनाई हुई है रॉड, तो उस पर आप लोग देख सकते हैं कि कंटिन्यू पीछे तरफ से बबल्स भी निकल रहे हैं, वो भी अपने से ही बनाई गई है एयर की पाइप में होल करके। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से और ये कैसा लग रहा है। तो इसमें अभी पूरा देखिएगा कि ऊपर का ग्लास इसमें कैसा रखा है, इसमें स्पेस कितना है। तो ऊपर के ग्लास और नीचे के एक्वेरियम में जो अपन लोगों ने स्पेस दिया हुआ है वो चारों तरफ से करीब, हाँ यहाँ से 1 इंच का है, आधे से 1 इंच का। और जो ग्लास रखा हुआ है, ग्लास के चार कोनों में सकर लगा हुआ है, पर ग्लास में मतलब इसमें कोई हम लोगों ने वुड का उपयोग नहीं किया, लकड़ी वकड़ी का कोई भी फ्रेम व्रेम में, क्योंकि उससे खूबसूरती में कमी आ जाती है इसके, क्योंकि ये कांच कांच रहता है तो पूरा ग्लास में अलग ही लुक आता है। फिर आप थोड़ा सा इसमें फाइबर या वुड यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा वो कम हो जाता है अट्रैक्शन। और मुझे ऐसा लगा कि ग्लास का अगर बना रहे हैं तो पूरा से उस ग्लास का ही होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो ऊपर का ग्लास को नीचे वाले एक्वेरियम में सबसे पहले तो शकर लगाए हुए हैं चार कोने में, लेकिन शकर लगाना भी एक बहुत दिमाग का काम है। इसके लिए फर्स्ट टाइम अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोग इसे देख लीजिए कि कैसे बनेगा। आप लोगों को दोनों तरफ एक एक कांच की पट्टी लगानी है, देख सकते हैं कैसे लगी हुई है। उस कांच की पट्टी में होल करवाने हैं जहाँ जहाँ आपको शकर लगाना है, वहाँ वहाँ शकर। ये हार्डवेयर की शॉप में मिलता है, हार्डवेयर जहाँ फर्नीचर वगैरह का सामान मिलता है, ग्लास व्लास की शॉप में मिल जाता है, टेबल वाला आप बोल देंगे ग्लास वाला शकर दे, उसमें होल कर दिए आप शकर में भी, उस पट्टियों में भी। उसके बाद आप स्क्रू के जरिए बीच से अच्छे तरीके से टाइट से कस दीजिए चारों शकर को। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कसे हुए हैं। अब जब ये कस जाएंगे तो ये ग्लास जब इसके ऊपर रहेगा तो ग्लास जाम हो जाएगा, लेकिन इस ऊपर वाले ग्लास और नीचे वाले एक्वेरियम के बीच में आप आधे से 1 इंच का चारों तरफ से स्पेस जरूर ले लीजिएगा। और एयर का एयर पंप आपको इसमें लगाना जरूरी ही रहेगा, और फिल्टर भी, क्योंकि ये एक्वेरियम ज़्यादातर तो ये ऊपर से पूरा कवर रहेगा तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बड़ी फिश वगैरह रखेंगे तो वो मर भी सकती हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, एयर की कमी की वजह से, या पानी आपका गर्म पड़ सकता है ठंड गर्मी में। तो इस वजह से भी एयर पंप और एयर बॉल काफ़ी ज़रूरी होती है, आप लोग देख भी सकते हो। बट आप लोग इसमें चाहे तो लाइव एक्वेरियम भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अब आप लोग देख रहे हो कि लाइट मैंने कैसी लगाई, लाइट ये वाटरप्रूफ है और ये पानी में तैर नहीं रही है। इस लाइट को अपन लोगों ने एक एक कोने से बांधा हुआ है टेढ़ा करके, टेढ़े रहने से ये एक्वेरियम के चारों तरफ रोशनी दे रही है, आप लोग देख सकते हो। अगर ये एक तरफ या कहीं एक तरफ रहती है तो उसमें चारों तरफ पूरे एक्वेरियम में लाइट नहीं पहुंच पाती। यह एलईडी लाइट है, नॉर्मल वाली जो मार्केट में बेचते हैं अपन लोग, वो है मतलब जो करीब 200-250 रुपये में आती हैं। और इसे वायर की सहायता से हमने शकर के जहाँ स्क्रू लगाए हुए थे उसके दोनों तरफ इसको मैंने बांध दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। फिल्टर भी मैंने इसमें नॉर्मल लगाए हुए है सोबो का, वो भी अब पावर फिल्टर है, बट उसे सब कुछ कॉर्नर में लगाए हुए, कॉर्नर से अपन लोगों ने सप्लाई दे के साइड से निकाल दिया है, जिसकी वजह से सारा कुछ ज़्यादा दिखता नहीं, हिडन नहीं रहता है। बट ये रूम में इसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है, और मतलब कि आपका टेबल का भी उसमें काम दे रहा है, एक्वेरियम भी है। अगर आपके पास घर में स्पेस नहीं है तो भी आप लोग ये काम कर सकते हो, या आपके पास स्पेस और आप लोग कुछ इंपोर्टेड टाइप की चीज़ रखना चाहते हो, एक टेबल रखना चाहते हो और सेंटर टेबल वगैरह बनाना चाहते हो अपने घर में कुछ स्पेशल टाइप की, तो हमारे हिसाब से अच्छा बेहतरीन, इससे बेहतरीन आइडिया कुछ भी नहीं होगा। और इससे खूबसूरत भी आप लोग कोई भी टेबल आप नहीं बना सकते, चाहे आप उसमें कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर लो, बट ये सस्ते में और आप लोग काफ़ी अच्छी चीज़ बना सकते हो। और इसमें मैं बता देता हूँ लगभग कितना खर्चा लगा होगा। इसकी जो लागत लगी होगी वो करीब कंप्लीट पूरा 6 से 7 हज़ार रुपये में पूरा बन जाएगा। मतलब कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई बता देता हूँ,
3 फीट लंबा है और 2 फीट चौड़ा। इसमें जो ग्लास यूज़ किया है अपन लोगों ने 12 mm का, बिकॉज थोड़ा सा ग्लास मजबूत चाहिए था। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे किसी को काम आ जाए, वो भी अपने घर में ऐसा कोई डेकोरेटिव कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।